हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और सभी की तैयारियाँ भी काफ़ी अच्छी चलो। स्टूडेंट्स, नीट 2020 या नीट एग्ज़ाम टफ होगा या इजी होगा, ऐसा बहुत से बच्चे जानना चाह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 2020 में नो एम्स, नो जिपमर, ओनली नीट एग्ज़ाम। तो यहाँ पर क्योंकि आप सभी इससे पहले भी जान रहे हैं कि एम्स का पैटर्न थोड़ा डिफिकल्ट था और जिपमर का भी सेम पैटर्न, तो इस कंडीशन में जब एम्स और जिपमर एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या पेपर टफ आएगा या इजी आएगा, ये मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिलों में सवाल चल रहा होगा और आप भी जानना चाह रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा बेसिक से चीज़ें कि आखिर क्यों पेपर टफ या इजी होगा, क्या पैटर्न इसका हो सकता है। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बता दूं कि 2019 स्टार्टिंग वहीं से लेता हूं मैं, ज़्यादा बैक नहीं जाऊँगा। और इस एग्ज़ाम में नीट का जो टॉपर बच्चा था नील खंडेलवाल, उसके 701 मार्क्स थे, यानी 701 मार्क्स। और इसके अपोजिट हैंड इस एग्ज़ाम में 50% से अधिक बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई ही नहीं किया था, यानी कि 120 नंबर, जिसको हम लोग परसेंटाइल में 45% बोलते हैं, वो उस सीमा को भी क्रॉस नहीं कर पाए थे, यानी कि वो नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे। तो अब एक चीज़ यहाँ पे आती है कि आखिर क्या था कि जब बच्चे मैक्सिमम पेपर को ईजी मान रहे थे, एक स्टूडेंट होता है जो 701 लेके आता है, ऑन द अपोजिट हैंड दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो 120 से भी कम मार्क्स लाते हैं, तो आखिर अब क्या होगा कि पेपर किसको हम इजी बोलेंगे, किसको टफ बोलेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। पहली बात तो ये कि अभी बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मैंने अभी पढ़ाई करता हूँ तो मेरा सिलेबस कम्प्लीट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि सर मैं जब पढ़ाई कर रहा होता हूँ तो मैं टॉपिक को भूल रहा होता हूँ, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा होता हूँ, मैं नर्वस फील हो रहा होता हूँ, ऐसे न जाने कितने कॉजेस आप देते हैं हर एक अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग टीचर्स के सामने। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये आती है कि आखिर क्या ऐसे कॉजेस हैं, क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि सर मैं डिप्रेस हो रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट्स अभी से डिप्रेस हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है पेपर टफ या इजी होने से पहले ही आप हथियार को डाल देंगे। अभी बोल दूं कि आपको युद्ध लड़ना है और आपको पहले ही दुश्मन बिना देखे लगे दुश्मन बड़ा होगा कि छोटा होगा, जैसे जीतूंगा कैसे हारूंगा, तो ऐसे विचार आपको सीधे सीधे आपको हार की तरफ लेके जाएंगे। अगर मैं आपको बता दूं पेपर टफ होगा तो क्या आप पढ़ाई करना छोड़ दोगे, जाहिर सी बात है। और अगर मैं बोलूं पेपर इजी आएगा तो क्या आप तब भी पढ़ाई छोड़ दोगे, क्योंकि पेपर इजी आएगा तो पढ़ने की जरूरत क्या है। तो ऐसे न जाने कितने पॉइंट्स आ जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं टॉपिक को आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, मेरा एक उद्देश्य इतना बताने का है कि आखिर नीट 2020 का पेपर किन बच्चों को टफ लगेगा और किन बच्चों को इजी लगेगा। बेशक आप हो सकते हैं मेरी बातों से सहमत ना हो, लेकिन सच्चाई में आपसे बताने वाला हूं जो कि आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टफ क्या होता है। देखिए, अगर पेपर टफ कौन सा आएगा, सिलेबस से बाहर कुछ पूछेंगे नहीं, एनसीईआरटी पैटर्न 10+1, 10+2, यानी फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट का एग्जाम, इन्हीं दो एनसीईआरटी पैटर्न के चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट इन बुक्स को, यानी एनसीईआरटी पैटर्न की बुक को, चाहे वो फर्स्ट ईयर की हो या इंटरमीडिएट की हो, आप एक बुक को 2 से 3 बार पढ़ लें, उसके सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, तो इस केस में आपके लिए टफ क्या बचेगा? कुछ है ऐसा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है। अगर आपको सिलेबस पूरा पता है, आप सभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं, सभी रिएक्शन सॉल्व कर लिए हैं, बायोलॉजी के सभी टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, तो फिर इस कंडीशन पेपर टफ होने का चांस ही कोई नहीं है। इजी मतलब, अब इजी मींस आप नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, डॉक्टर बनना चाह रहे हो, तो आपको इस इक्वल टू एम सी स्क्वायर तो प्रूव करेगा नहीं कि चलो आप बताओ इस इक्वल टू एम सी स्क्वायर में एम की वैल्यू क्या है। सिंपल सी बात यह है कि जो भी चीजें हैं नीट के पेपर में आती हैं, चाहे वो 19 में आई हो, 20 में आई, या इससे पहले 18-16 में आई हो, हर बार पेपर थोड़ा सा ट्रिकी बेस होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस होता है, और जिन स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट इजी लगते हैं वो स्टूडेंट अच्छा स्कोर करते हैं। दूसरी बात, अगर पेपर टफ आएगा, टफ मीन्स ये मान लिया थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ गया, तो वो एक बच्चे के लिए नहीं आएगा, वो पूरे बच्चों के लिए होगा, सभी बच्चों के लिए इक्वल होगा। और इस केस में अगर कट ऑफ गिरेगी तो सभी बच्चों की इक्वल गिरेगी, ऐसा नहीं है कि एक बच्चे का कट ऑफ 700 हो जाए और दूसरा 500 पे आ जाए। अगर टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी केमिस्ट्री के टफ क्वेश्चंस हैं या फिजिक्स के टफ क्वेश्चन हैं, तो वो सभी बच्चों के लिए होंगे, और जाहिर सी बात है वहां पर भी वो बच्चे जिन्होंने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है, जिनको हर एक डेरिवेशन अच्छे से पता है, जिनको हर एक केमिकल बैलेंसिंग अच्छे से पता है, जिनको हर एक न्यूमेरिकल्स अच्छे से लगाना आता है, सॉल्व करना आता है, तो उन बच्चों के लिए कोई भी पेपर टफ नहीं होता है। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन पेपर टफ नहीं आएगा। आइए आपको दिखाते हैं कुछ बेसिक से पॉइंट्स जिनके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पेपर कैसे आप
टफ को आसान में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली वो बच्चे जो अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं, या ऐसे वो बच्चे जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या है बेसिक फार्मूला पेपर को टफ से इजी बनाने को लेकर, जो कि साइंटिफिक फार्मूला है। और मेरा मानना है कि आपको मोस्टली टीचर्स, मोस्टली आपके मेंटोर्स यही बताएंगे कि आप इस फार्मूले पे बात करें, तब आपका पेपर टफ से आसान हो सकता है। तो टॉपिक को देखते हैं विधिवत और फिर मिलते हैं टॉपिक के बाद। सो स्टूडेंट्स, अब हम बताएंगे आपको कि कैसे कोई एग्जाम टफ होता है या आपको इजी लगता है ना। उससे पहले एक चीज समझिए कि जिन बच्चों ने अपना टारगेट फिक्स कर लिया है, यानी कि टारगेट MBBS देश के बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज से, चाहे वो आपका KGMC हो, चाहे BHU हो, चाहे एम्स हो या जिपमर हो, किसी भी बेस्ट मेडिकल कॉलेज से MBBS करने का टारगेट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। अब बात आती है पेपर को टफ और इजी, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें। सबसे पहले पेपर को हम इजी कैसे बनाएं, जो सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और बच्चे यही जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, एक या दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला तो ये कि पूरे सिलेबस का ज्ञान होना, यानी कि NCERT पैटर्न जो कि नीट एग्ज़ाम में है, इसके फर्स्ट ईयर और 12th, इन 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एक एक चैप्टर के एक एक हेडिंग को विथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट की बुक्स को, NCERT पैटर्न की बुक्स को एक एक हेडिंग पढ़ लिया है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं और पर चैप्टर से 100-100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, उन बच्चों के 50% क्वेश्चन जो है, या 50% सिलेबस या 50% पेपर को उन्होंने इजी आज ही बना दिया है। इसके अलावा कुछ होता नहीं, यानी कि अगर आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया है, तब आपका 50% जो है टॉपिक NCERT पैटर्न से आपको मिल जाता है, यानी आपका एग्ज़ाम 50% आसान हो गया है उन बच्चों की तुलना में जो कि अदर बच्चे आपकी तुलना में हैं। अब आपने सिलेबस को पढ़ लिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अब अगर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, 10% होता है वो आपका होता है मोटिवेशन। आप कितने मोटिवेटेड हैं, आप कितना अपने आप को पॉजिटिव बना के रखते हैं और कितने आप अपने आप को अपने पे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, मैं इस एग्ज़ाम में 100% स्कोर कर सकता हूँ। तो जो बच्चे, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने आप को मोटिवेशन बना के रखता है, जो मोटिवेटेड हैं और जो इस चीज़ में कन्फर्म है कि नहीं, मैं अपने आप 100% दूंगा, मैं नीट एग्ज़ाम के हर क्वेश्चन को सही ढंग से कर लूँगा, तो वो बच्चे 10% और अपने पेपर को आसान बना लेते हैं। यानी कि सिलेबस प्लस मोटिवेशन, एक लक्ष्य को लेकर बढ़ना, ये आपके पेपर को 60% स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, नहीं 60% आपको आसान बना देते हैं। बच्चा 40%, तो 40% में आपका लास्ट 10 to 20 ईयर क्वेश्चन, जिन बच्चों ने आज से लेकर पिछले 10 से 20 साल क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, जो नीट एग्ज़ाम में आए हैं, और उन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं कि अपनी स्पीड को भी मेंटेन रखते हैं, कि पर मिनट उनको एक क्वेश्चन करते रहना है, यानी कि 180 मिनट 180 क्वेश्चंस। तो जिन बच्चों ने लास्ट 10 to 20 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, प्लस पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में उनकी अच्छी स्पीड है, वो किसी क्वेश्चन पे अधिक या कम टाइम नहीं दे रहे हैं, वो दिए गए समय में दिए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी बात, जब आप लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे 10 ईयर वाले, तो यहाँ पे वो क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे जो क्वेश्चन NCERT के पैटर्न से बाहर आते हैं, जो किसी एग्जाम में बाहर से पूछे जाते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को भी पढ़ लेंगे। तो कहने का मतलब इतना है, NCERT पैटर्न की बुक्स को पढ़ लेना, जो सिलेबस आपका है, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना, एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना और लास्ट 10 to 20 ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, उस कि क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड को बनाए रखना। जिन बच्चों ने इन तीनों स्टेप को फॉलो कर लिए हैं, उन बच्चों का 100% पेपर इजी आएगा। आज अब ऐसी जान लीजिए, ये चीज़ आपको दुनिया का कोई भी मोटिवेटर, कोई भी मेंटोर, कोई भी टीचर, सभी आपको यही बताएंगे कि पेपर को देने से पहले, सबसे पहले पेपर से जुड़े हुए हर कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, फिर उस समझे हुए चीज़ से आंसर निकालने की कोशिश करना चाहिए। विदाउट पेपर को जाने समझे क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए। जिन क्वेश्चन पे आपको डाउट हो, उन क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आपका स्कोर तभी अच्छा आएगा। इसके अपोजिट हेड, पेपर टफ कैसे बनता है,
50% से बच्चे, अधिक बच्चे ऐसे होते हैं जो नीट का फॉर्म सिर्फ मस्ती में फिल करते हैं। हाँ, फिल कर दिया, सिलेबस पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो पढ़ा, मुझे कहीं जाना है आना, यानी कि उन्होंने विदाउट पेपर को सीरियस लिए हुए फॉर्म को फिल कर दिया। ना तो उनको सिलेबस का नॉलेज है, ना तो उनका मोटिवेशन अपने आप पे स्ट्रांग है क्या मैं कर लूँगा, और ना ही वो लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उनको लगता है कि सब आसान है, मैं जाऊँगा पेपर दे दूँगा ऐसे और मैं सक्षम हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए पेपर होता है टफ। ये दो पैटर्न है, जिन बच्चों ने टफ और इजी के इस पैटर्न को समझ लिया वो बच्चे आने वाले दिनों में डॉक्टर बनेंगे। मेरा मानना है कि उनको पेपर इजी दिखेगा और वो अपने पेपर में अपना 100% स्कोर करेंगे, और अगर वो अपना 100 स्कोर करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत उनको MBBS किसी बेस्ट कॉलेज में पाने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों आज इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप इस ग्राफ को जो आपको टफ और इजी में डिफ्रेंशिएट करेगी समझ में आया होगा। आज इतना दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।